नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज़ में। इंडियन रेलवेज़ की ओर से 2024 में चार टाइप की जो रिक्रूटमेंट जारी की गई थी, जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ के भरे जा चुके हैं, एक दो के बाकी हैं। तो आप लोग वेट कर रहे थे कि सर इनकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, काफ़ी टाइम हो चुका है और 2024 के भी लगभग 8-9 महीने जा चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट आरआरबी की ओर से नहीं डिक्लेयर की जा रही है। तो फाइनली आप लोगों का जो वेट है वो ओवर हो चुका है और जो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की ओर से जारी किया गया है विद द हेल्प ऑफ आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये नोटिस है फॉर टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल। आप लोगों का कैलेंडर आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, किस किस नोटिफिकेशन की आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन था 1/2024 ALP का, दूसरा था आप लोगों का टेक्नीशियन का RPF SI का, तीसरा आप लोगों का टेक्नीशियन का था और चौथा आप लोगों का था 3/2024 JEE वाला, और चौथा जो है पांचवा आप लोगों का जो चौथा एंड पांचवा है जो NTPC वाला है उसकी अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, तो जो आप लोगों का ALP का एग्ज़ाम होगा वो 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक होगा, CBT 1 होगा और 4 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद RPF SI का, तो ये एग्ज़ाम आप लोगों का 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच होगा, 3 दिन एग्ज़ाम होगा। देन आप लोगों का टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच, यानी 10 दिन आप लोगों का टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोग का JEE का एग्ज़ाम होगा, JEE का एग्ज़ाम शुरू होगा आप लोग का 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच। तो ये आप लोगों की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है। द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 डेज प्रायर टू द एग्ज़ाम डेट। तो जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं जिनको अपना जो फ्री ट्रैवल पास है वो डाउनलोड करना होगा, वो 10 दिन पहले डाउनलोड होगा, और आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होगा, किस डेट को होगा, ये भी आप लोग को 10 दिन पहले ही पता चलेगा। डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट, तो जो आप लोग का कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो सिर्फ 4 दिन पहले ही डाउनलोड होगा। 10 दिन पहले आप लोगों को अपनी एग्जाम सिटी पता चल जाएगी, 4 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, आधार बेस्ड आप लोगों का जो बायोमेट्रिक है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दियर ओरिजिनल आधार कार्ड, ध्यान रखिएगा आप लोगों को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है जब आपका एग्ज़ाम होगा। कैंडिडेट्स आर वंस अगेन एडवाइज टू ऑथेंटिकेट दियर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ़ नॉट डन ऑलरेडी बाई लॉगिंग इन दियर क्रेडेंशियल। अगर आप लोगों ने अपना आधार अभी तक भी रजिस्टर नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया, तो आप लोग जा कर के यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का आधार अपडेट हो गया है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूल मत जाना, कभी आप लोग एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया जाए आपको, तो अपना जो आधार ऑथेंटिफिकेशन है RRB की वेबसाइट पर जा कर के कर लीजिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफ़र ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। आप लोगों को ऑफिशियल RRB की जो वेबसाइट है वहीं सर जो भी न्यूज़ मिलेगी वही ऑथेंटिक न्यूज होगी। बी अवेयर ऑफ टॉट विथ ट्राई टू मिसगाइडिंग, तो किसी भी तरह के मिसगाइड में आप लोग मत फंस जाइएगा। RRB सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन द CBT एंड रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। तो ये आज यानी 7 अक्टूबर का नोटिस है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरपर्सन की ओर से, जो जारी किया गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर की गई है। तो ये आपके एग्ज़ाम डेट है। अब आप लोग पूछें कि सर हमें पढ़ना क्या चाहिए, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मेरे पास आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स किस किस के मिल जाएंगे आप लोगों को, साइंस के वन लाइनर मिल जाएंगे, फिर आप लोगों के हिस्ट्री के वन लाइनर, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, और आप लोगों के करंट अफेयर के सारे वन लाइनर मौजूद है। 30 रुपये की एक PDF है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप PDF लेंगे, PDF हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। PDF को परचेज करने के लिए आप लोगों को जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिएगा, तो आप लोगों को PDF एंड नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, ALP में भी है, टेक्नीशियन में भी है, JEE में भी है, तो साइंस के स्पेशली ज़रूर परचेज कर लीजिएगा अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट के परचेज नहीं कर पाते हैं। आप लोग मैथ के भी परचेज कर सकते हैं, रीजनिंग के परचेज कर सकते हैं, हर एक PDF आप लोगों को 30 रुपीज़ की दी जाएगी। अगर आप लोग पूरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 150 रुपीज़ में आप लोगों को पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
और अगर आप लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप के लिए भी आप लोगों को इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये नंबर आप लोगों को व्हाट्सअप पर मिलेगा, कभी आप लोग कॉल करने लगे सिर्फ व्हाट्सअप पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पेड ग्रुप में एंटर होने की फ़ीस 99 रुपीज़ है, और इसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया जाएगा, कंटेंट भी दिया जाएगा। अगर आप लोग पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो पेड ग्रुप में भी ऐड हो जाइए। तो ये अपडेट थी रेलवे की ओर से एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, ऑफिशियल अपडेट है। तो आई होप आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।